मशहूर डांसर सपना चौधरी और उसके भाई करण और मां के खिलाफ पलवल के महिला थाने में दहेज मारपीट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। यह मुकदमा सपना चौधरी की भाभी ने दर्ज कराया है। आरोप है कि दहेज में क्रेटा कार की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में आ गई है और इस बार सपना चौधरी और उसके भाई करण सहित मां नीलम पर दहेज मांगने और मारपीट करने, साथ ही भाई पर अप्राकृतिक यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पलवल की रहने वाली सपना चौधरी की भाभी ने महिला थाने में दी शिकायत में कहा कि 2018 में उसकी शादी नजफगढ़ दिल्ली के रहने वाले सपना चौधरी के भाई करण के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ कई बार मारपीट की गई, लेकिन जब उसे बेटी हुई तो उसके ससुराल वालों ने बेटी के सूचक में क्रेटा गाड़ी की मांग की, लेकिन उनके पिता ने 3 लाख नकद और सोने चांदी के आभूषण सहित कपड़े दिए, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और वे उसे क्रेटा गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। 26 मई 2020 को उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। करीब 6 महीने पहले वे अपने पिता के घर पलवल आ गई, जिसकी शिकायत उन्होंने महिला थाना पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस के द्वारा इसमें पीड़ित के पति करण, ननद सपना चौधरी, माता नीलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। DSP सतेंद्र पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। आरोप तय होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से। हमने उस पर CAWCL में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। फिर हमने उस पर FIR दर्ज करी है सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की है सर। सर इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की सर। इसमें तस्दीक होगी DSP साहब की, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सर वो हम आगे FIR में करेंगे सर। इनकी शादी हुई है सर 2018 में सर, और बस ये शारीरिक पड़ताड़ना, दहेज मांगना सर मेहंदी तो यही है सर। हाँ सर, उसमें बेटी हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था क्रेटा गाड़ी मांगी थी सर। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, बाद तस्दीक जो भी कार्रवाई होगी सर वो की जाएगी।